कार्यक्रम चलता है तो सभी दानदाताओं से भी निवेदन है, हमें सूचना मिली है कमेटी से कि आप योगदान हर साल की भांति होती है, हम लोग अवश्य करेंगे। आइए हमारे मुख्य अतिथि हमारे कमेटी के लोगों के साथ भजवान संजय भैया के पास हो रहा है और लेकर हमारे व्यास जी को दे दीजिए। और कोई यंत्र है हारमोनियम का हम ताली कस के बजा रहे भैया जी कार्यक्रम हो रहा है राजन भैया बैठ जाइए आप लोग आगे करने के लिए। अरे माता जी यहाँ जगह है, इधर आइए, इधर आ जाइए। हम लोग ये जो कार्यक्रम चल रहा है जानने वाले के लिए ये कार्यक्रम और जो टीवी लगा हुआ है और देश विदेश तक लोग देख रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देते हुए खासकर से हमारे नौजवान साथियों के लिए। हाँ उधर जगह, इधर बहुत जगह है, अभी बहुत जगह है तो आप लोग हाँ उनको तो बोल रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए आगे बढ़कर में आगे भैया जे बैठे वाला हो तो बैठे वाला कुछ लोग ऐसा बात है टाइट जींस से पहले वो लोग ना आ गए सोचे कहीं बैठे कहीं पर मत निकल जा। आइए हमारे मुख्य अतिथि आप श्रीमान राजेश कुमार पासवान जो छोटे भाई हैं हमारे पूर्व ग्राम प्रधान जी के। चलिए वो तो माता रानी की कृपा है, जिसको जो भी दान करना है वो कर्तव्य करेगा और वैसे भी बताने वाली कोई बात नहीं है, अगर ये लोग आते नहीं तो होता कैसे, ये हमारे श्रोताओं का ही देन है जो इतना बड़ा कहिया कार्यक्रम बहुत जगह हमने देख भी देखा है लेकिन दो सौ बार तीन बार एक बार दो बार बहुत और यहाँ के लोग। आइए आगे हमारे मुख्य मंच उद्घाटन राजेश कुमार पासवान और उनको वस्त्र से सम्मानित करेंगे हमारे बड़े भैया विनोद राय जी। तो सबसे पहले फीता काटने का कार्यक्रम, उसके बाद आरती, उसके बाद फीता साफा भोग करेंगे हमारे विनोद राय जी, हमारे मुख्यमंत्री राजेश कुमार पासवान जी को। बैठिए आप लोग बैठिए, शांति से बैठिए। यह कार्यक्रम बैजनाथपुर के लोग नहीं देश विदेश के लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा करिए इससे लगे कि हाँ कार्यक्रम में। भाई हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार पासवान जी से, उनके सबूत भगवान की भगवान की श्री राजेश कुमार पासवान जी के सुपुत्र दिव्यांश पासवान जी के द्वारा। और हम निवेदन करते हैं विनोद राय जी से शाखा भेज कर श्रीमान जी का हौसला जारी करें। श्रीमान विनोद राजी से निवेदन है, ताली बजाएंगे हम लोग। बोले जय भगवान की। आइए
दान की कड़ी में आज के हमारे मुख्य मंच उद्घाटक हैं श्रीमान राजेश कुमार पासवान जी की तरफ से 3101 रुपए का दान आया है। माता रानी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। ऐसे ऐसे दानियों से क्षमा भारी है जो अपने दिन हर धर्म को जानते पहचानते। इस बार कुछ फीता मान लक्ष्मी बाबा फीता कुछ कम करना है कठिन। वैसे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हाँ सब माँ बापों की कृपा है। चलिए आइए सुंदर लीला पुनः फिर निवेदन करते हैं नौजवान साथियों से आप लोग बैठ जाइए। जो चीज यहाँ दिखने का वही चीज वहाँ पर भी दिखेगा। आइए सुंदर कथा जय श्री राधे जय श्री श्याम। गाड़ी में रखा हुआ है। अरे तारे का चार्जर हो गया डैपेज ना सर पाए हां आई आई वो सनातन देहराम भजन के बाद हम सब लोग के भक्ति मेरी कारी शरण ले जाइए। वदन में क्या बनी लीला मंडल के सखी भाव कलाकार श्री श्यामली जी हम आपसे निवेदन करते हैं आप आइए एक भजन भजन के बाद हम सब मिलकर सुंदर भक्ति में अधिकारी लीला मंडल के सखी भाव कलाकार श्री श्यामली जी प्रिंस और अटैक के डॉक्टर लाने दीजिए प्रिंस Thank you.
Thank you.
अरे बाबू तरफ से 20 रुपए का हल्के सुतल वा हो ए हल्के सुतल वा बदन ना बैठे के चार जने का जो भाई अकेले आओ बीच में चल आई ना आई बा खड़ी जगह में जे आवा ता बीच में बैठल रहो बुढ़ा तर मैं नाम करा करा लो बैठल रहो ओ बीच में रहवा आई उठा हो लो जमार गोरवा पसार पसार कोते बने जाए गोरवा मोड़ ले जा आज सुते आज यार भाई जब पत रहे रही बैठ जाओ ना के भाई लगा रहे हो हो के लगे मोड़ ले जा हां धन्यवाद जे पुलिस विभाग के हेर खड़ा बा भैया उ लोग निवेदन पर है हरा जाए अरे आओ अपना जगह के लिए ऊपर बैठ जाओ हां आज भक्ति वाली कार्य सामने ले जाओ भक्ति वाली कार्य के बाद हम सोलो मिलके सुंदर लीला हमारे लीला मंडल के सखी भाव के कलाकार भाई भक्ति वाली कार्य मतलब आज ईश्वर हनुमान ने कृपा वैसे हम सब लोग कर जाए आई लीला मंडल के यही बैठल हे गैलरिया पातर के बैठ जाओ ना हो जे आवत हो ना पातर गई गैलरिया और पातर बैठ जाने का जगह ना मिलता अब हमने आगे जगह बा बीच में भाई लोग ऊपर पसा पसा बैठ रहे हैं नया जगह बा बैठने की जगह तो मतलब अभी बहुत और कोशिश करता हूं तारी भक्ति में अधिकारी चलो कर दो
लगभग बंधु से अनुरोध है, एक लड़के की कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से गाड़ी की आपको सही नहीं मिल पा रही है, उसका हमको तकलीफ है, जल्द से जल्द सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट जो वर्किंग की यहाँ पे दिक्कत है, आप लोग लाइन पे बने रहें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको बेहतर सुविधा मिले। हेलो भैया, कैसा देख रहे हैं? हल्ला मत कीजिए आप लोग, मैं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, हल्ला करेंगे लोग। सामने से बैठिए, आइए एक और भक्ति में रिकॉर्डिंग, उसके बाद सुंदर लीला नगर भरमल, उसके बाद फुलवारी का प्रसंग। तो आइए एक और भक्ति में रिकॉर्डिंग, उसके बाद सुंदर लीला। महोदय बहुत ही सुंदर लीला मंडल के सखी भागार भक्ति मेरिकारिंग, उसके बाद सुंदर लीला नगर भ्रमण, उसके बाद फुलवारी का प्रसंग। जय श्री सीताराम। अब सभी लोग शांति को लाने कर बैठिए, हम सभी लोग मिलकर अब सुंदर लीला से आनंद देते हैं। बहुत सुंदर लीला आप लोग अवलोकन करेंगे,
तो सभी लोग शांति रहने कर बैठे, जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं तो बैठने का कोशिश करिए। अब आइए हम सभी मिलकर सुंदर लीला से आनंद लेते हैं। तो ये नगर भ्रमण, उसके बाद फुलवारी का प्रसंग। हेलो भैया, आप लोगों ने लीला से आनंद लिया, हमारे स्वभाव का अमल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़कर जनपुर से पत्रिका आती है, अहिल्या का उद्धार करते हैं, गंगा उत्तर होता है। उसके बाद महाराज जी सूचना पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री रामचंद्र लखनलाल और महामुनि विश्वामित्र जी को सुंदर सदन सुखद साध विश्राम करते हैं। प्रातः काल होते ही क्या होता है, लखन हृदय लाल सा विशेषी जय जनकपुर आयो चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। ठीक है कह रहे, कहे क्या कहना चाहते हैं? नाथ लखनपुर देखन चाहें पर सकोच बस प्रकट करें, जो राहुल आयस में पावा नगर दिखाई तुरंत आवा। स्वामी आज मेरी छोटी अनिल लखनलाल के अंदर आत्मा में इस संपूर्ण मिथिला नगर को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। वह आपसे संकोच बस कह नहीं पा रहा,
यदि आप हमें अनुमति प्रदान करें तो मैं बहुत क्षणिक समय में अपने छोटे अनुज के साथ इस संपूर्ण विद्यानगर का भ्रमण करके पुनः आपके दोनों भाइयों के अंदर नगर देखने का इतना ही लालसा है। अब चलते समय आपके सभी चरणों में हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार लेकिन गुरु भाई मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हम भसीटा भैया को भी बुला लें। हाँ तो आवाज लगाइए। भजन कैला से पीला दुख दही माथा
इसीलिए कहते हैं हम तो हसिया का भजन और कुछ नहीं देखे ले अच्छे देखना चाहते हैं अपने राजनगर में दो सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं जल्दी से शांति हसुआ बड़ा सीने वाले तू को लोहार में सुंदर सुंदर राजकुमार आई बालो यानी कि राजा के लड़का लो अच्छा सुंदर सुंदर कुहार आई बालो का सुना तो तुमने सुंदर सुंदर कुहार आई बालो राजकुमार सुनो ये बताओ तुम बड़े आदमी से मतलब हो सुंदर सुंदर वालो हाँ हाँ बहुत सुंदर वालो अच्छा छुंगर का नहीं का अच्छा छुंगर आप तो नेता का कुछ हो मैं बोल रहा हूँ हाँ भगवान भगवान है खूब फुर्सत से अच्छा समय निकाल के एगो हमारी भर के बनाइबे के ना को सजवत कर के फेंक रहा के हमरे मिलत है तरह लोग के हु मैं का कौन में जाने में खेत तो डाला का भी हो जा एक को जानवर ना जी जानवर आई कई जाए हम काली माई का हाथी पिलवान है कौन सा बात की बताओ जीवन में कहूं बड़े आदमी होते हले बड़ा बड़े आदमी हां तनी चलवा देखी केना बढ़ल बाल हो ए नी बताओ कैसे दिन करे भाई हो ना बतिया ले बाल एकदम बतिया ले चल आगला गली गई भाई ए घसी का भैया सब सुंदर बाल हो चल चल दिखाओ चलो आता दादा उड़िया और रे चुहिया भाग ले मारा था ना कुछ हाई स्कूल में क्या ना कुछ अब ये दो तक बड़ा